हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है वाटर प्यूरीफायर सपोर्ट और मैं वाटर प्यूरीफायर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जहां पे आप अपने वाटर प्यूरीफायर को खुद मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, आप जब भी वाटर प्यूरीफायर खुद से साफ करने की कोशिश करते हैं और गलती से वो अचानक से बंद पड़ जाता है, या फिर कभी कभी अपना वाटर प्यूरीफायर जो लगा हुआ आता है दीवार पे वो अचानक से बंद पड़ जाता है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों और क्या हो सकता है, इसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, एक टेक्नीशियन को बुला लेते हैं। वो टेक्नीशियन क्या बताता है, सर जी आपके फिल्टर का बहुत सारा जो है इक्विपमेंट्स वो खराब हो चुका है, तो आपको एक नया फिल्टर लेना चाहिए, आप इस चीज में फंसिए मत। टेक्नीशियन जो बोलेगा उसके ऊपर डायरेक्टली विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिल्टर में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है और उस गड़बड़ी को आप अगर आपने वो डिटेक्ट कर लिया तो आपका इतना सारा खर्चा बच जाएगा। तो समझिए, आपने अगर गलती से क्या किया है, आपने प्री फिल्टर चेंज करने की कोशिश की और अचानक से फिल्टर बंद पड़ गया, या फिर जो पानी का जो टंकी है फिल्टर का, वो पानी का टंकी साफ करने के लिए आपने फिल्टर खोला और अचानक से फिल्टर बंद पड़ गया, तो इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है, या फिर दीवार पर लटका हुआ फिल्टर अचानक से बंद पड़ गया। ये तीनों चीज़ों में क्या कॉमन हो सकता है और किस चीज़ से फिल्टर बंद पड़ने की आशंका ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए आज आपके सामने एक डेमो दिखा देता हूँ कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है और आप अपने फिल्टर को कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है फिल्टर खराब होने की। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़, आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए जाते जाते, ओके, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं इस फिल्टर को पहले खोल देता हूँ। देखिए, आपको पूरे जो भी स्क्रूज हैं उन सभी स्क्रूज को खोलना है। ठीक है, एक एक करके मैं सभी स्क्रू को खोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला स्क्रू भी खोल देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने पूरे जब जो भी स्क्रूज है सभी स्क्रू खोल दिए हैं और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, मैं पूरा ऊपर का कवर निकाल रहा हूँ, कवर मैंने बाजू में रख दिया। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपका SMPS है, ये जो SMPS होता है, इसकी लाइट जो है वो जल रही या नहीं है। ठीक है, तो इसे आप जैसे ही खोलेंगे उसके बाद आपको वाटर प्यूरीफायर को स्टार्ट करके देखना है एक बार। ठीक है, अभी मेरा तो फिल्टर चालू है ऑलरेडी, तो आपको वो चेक करना है। अगर ये SMPS की लाइट नहीं जल रही है तो सबसे पहले जो इशू होता है फिल्टर को ख़राब होने का, वो SMPS से ही शुरू होता है। अगर आपका SMPS ही नहीं जल रहा है तो आपके बाकी के इक्विपमेंट भी नहीं चलेंगे और आपका फिल्टर चालू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर SMPS चालू है तो आगे आपको चेक करना है कि SMPS से जाने वाली जो भी वायरिंग्स है वो सभी ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये अगर वायरिंग भी सभी सही रहेंगी तो आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए, ये वायरिंग सभी सलामत है, कोई कटिंग बिटिंग नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे के साइड में भी वायरिंग थोड़ी बहुत होती है, तो इस वायरिंग को भी आपको चेक करना है, ये वायरिंग सही सलामत है कि नहीं। अगर कहीं पे कटी होगी तो उस वायर को आपको जोड़ना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी टेक्नीशियन से भी जोड़ सकते हैं, पर आपका जो डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि मोटर खराब हो गया या फिर SMPS खराब हो गया, तो आपको खुद को भी देखने के लिए आना चाहिए कि SMPS सच में खराब हुआ है कि नहीं। SMPS की लाइट आपको बता देती है वो खराब है या नहीं है। ठीक है, अगर SMPS खराब है तो मोटर खराब तो नहीं हो सकती ना, पहले SMPS खराब होगा उसके बाद मोटर खराब होगी। मोटर खराब है तो देखिए, मोटर खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा, SMPS चालू है पर मोटर चालू नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि मोटर खराब हो गई है, SMPS नहीं। ठीक है, अभी सेकंड, इसमें और खराब होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो है स्विच, इसे कहते हैं स्विच, और ये स्विच किस चीज़ का होता है, ये होता है फुटबॉल का स्विच होता है जो इसके नीचे रहता है। आप जब भी पानी की टंकी साफ करते हैं फिल्टर की, तभी गलती से, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसे खोलना है और ऐसे आपको टेढ़ा करना है। देखिए, टेढ़ा कर दिया मैंने। ये जो होता है फुटबॉल, ये टिक टिक की आवाज़ सुन रहे हैं, जब भी आप पानी की टंकी साफ करते हैं, ये गलती से अगर ऐसे मुड़ा ही रह गया और ये ऊपर आया ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये स्विच बंद हो जाता है और जो मोटर है या SMPS है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिए, इसे ऐसे होना चाहिए। अगर ये हो नहीं पाता है तो इसका मतलब है स्विच खराब है। सिंपल, आप 35 रुपये का ये स्विच लेके, नया स्विच लेके यहाँ पे लगा सकते हैं और आपका फिल्टर ठीक हो जाएगा। देखिए, ये एक चीज़ है, देखिए, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऊपर खींच लिया है और अब मैं फिर से लगा दे रहा हूँ इसको, ऐसे यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा स्विच ठीक हो गया। अगर इसकी वायरिंग थोड़ी ढीली है तो आप
आगे पीछे करके इसकी वायर दबा सकते हैं, दबा के ठीक कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। ये दो तीन ही चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपका फिल्टर खराब हुआ है या नहीं है। आपको वायरिंग चेक करनी है, SMPS चेक करना है और ये स्विच को चेक करना है, बस। ये चीज़ें जो होती है ये खराब नहीं होती, ये चौक हो जाती है। फिल्टर बंद नहीं होता है, फिल्टर चालू ही रह जाता है पर पानी आगे नहीं सप्लाई होता है अगर ये चौक हो गया तो। ठीक है, तो फिल्टर होने के बंद होने के दो ही कारण है, तो SMPS या फिर ये स्विच, ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, और एक रीज़न रहता है जो नए फिल्टर रहते हैं केंट के या फिर एक्वागार्ड के, उनमें एक ब्लास्टर आता है, जो एक डिवाइस रहता है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर को बंद कर देता है 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, वो जो फिल्टर की जो एक्सपायरी पीरियड रहती है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वो क्या करता है, आपके फिल्टर को चेंज करने के लिए आपको एक सिग्नल देता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर को बंद कर देता है। तो वो एक चीज़ है बंद होने का रीज़न। ठीक है, इसमें वो ब्लास्टर नहीं है, ये सिंपल वाला फिल्टर, इसकी वजह से इसमें वो ब्लास्टर नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद भी अगर बटन प्रेस करने के बाद, मतलब इसके बाद ये सब चेक करने के बाद भी अगर आपका फिल्टर चालू नहीं होता है तो ही जाके आपको टेक्नीशियन को बताना है कि मेरा फिल्टर बंद हो चुका है, और वो जो टेक्नीशियन बताएगा उसकी आपको सुननी है, जो भी वो बोलेगा कि यह क्या खराबी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने खुद के फिल्टर को चेक कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, और इससे आपका समय भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। आप टेक्नीशियन को बुलाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, टेक्नीशियन आएगा और इतना जो भी पैसा है वो बताएगा। इससे अच्छा आप 2 मिनट में आप चेक कर लीजिए अपने फिल्टर को, और अपने पैसे को और अपने समय को भी बचा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी अपने टाइम और पैसे को बचा सकें। धन्यवाद।